हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। तो फ्रॉम टुडे जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर जो है CSIR एग्ज़ाम। इस चैप्टर से लगभग आपको एक क्वेश्चन आपका CSIR में आ जाएगा जो एनिमल फिजियोलॉजी का है। पिछली जो है हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि लाइट का थोड़ा सा बोर्ड की लाइट का इशू रहा। मैंने वीडियो को जब देखा और काफ़ी कमेंट भी आए तो उस पर थोड़ा एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जो हमारी साउंड पे फोकस करना है कि हम साउंड में कौन से टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन से टॉपिक के बारे में बता रहे थे, उस पर ध्यान देना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक में कौन सा पार्ट, कौन सा किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये सारी चीज़ों पे आप साउंड पे ध्यान दें और अगर मुझे समय मिलेगा तो फिर से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा जिसमें क्लियर रहे, जो हमारा रिटेन पोर्शन क्लियर रहे उस चीज़ को फिर से बनाऊंगा और फिर से आप लोगों के बीच ले आऊंगा। लेकिन इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उस पर भी आप जो है ध्यान दे सकते हैं पहली बात। दूसरी बात जो है एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, अगर CSIR में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि कैटलिस्ट में दिया हुआ है अगर वो सॉल्व हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीडबैक, जो रीइंफोर्समेंट और फीडबैक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। तो अगर आप एक फीडबैक देते हो अपने कमेंट्स के थ्रू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आप निगेटिव भी बताओगे कि भाई ये चीज़ सर आप सुधार कर लो, निगेटिव नहीं होता है उसको, हम लोग आपका कंसर्न जो भी आप रेज करते हो वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक डिस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है, डिस्टेंस के थ्रू हम पढ़ते हैं, तो इसमें जब आप कमेंट करते हो तो उसको आगे जो है वीडियो में लेक्चर के थ्रू हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि ये हमारा मानना है कि बीइंग अ टीचर जो है स्टूडेंट सेंटर्ड जो है टीचिंग होनी चाहिए और वही चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते भी हैं अपने जो है जहाँ भी हम पढ़ाते हैं। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इन NGBU, तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ सदैव ध्यान देते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको बात हमारी समझ में आ रही नहीं आ रही, तो वो चीज़ हमें, तो आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों पे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे कंटेंट को। और क्या चाहिए आपको, किस तरह का कंटेंट चाहिए, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सारी बातों के बारे में आप हमें बताएं ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा रहे और आप अपने जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लें। तो इंडोक्राइन सिस्टम ये पहला चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडोक्राइन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बड़े लेंदी वे में आपको पढ़ने भी पड़ते हैं कि आप जब नर्वस सिस्टम तो थोड़ा सा हमारे अनुसार बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट इंडोक्राइन बहुत लेंदी है, कुछ 4-5 पोर्शन से सवाल जरूर आता है। इसके बाद आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम दिखाएंगे, इसके बाद सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाता है, लाइक जैसे ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में प्रिपरेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो है क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स के बारे में सोचो। जो इंडोक्राइन सिस्टम जो है इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ग्लैंड क्या है, ग्लैंड क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्लैंड का क्या रोल होता है, ग्लैंड क्या होता है। तो ग्लैंड कोई भी जो है टिश्यू या सेल जो है, कोई सेल हो सकता है जो ग्लैंडुलर जो सिक्रेटरी फंक्शन अटेंड कर ले, जिनका फंक्शन क्या हो जाए, सिक्रेटरी हो जाए, जो सिक्रेटरी फंक्शन अटेंड कर लेता है उसी को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करता है, केमिकल्स का कोई भी काम, किस तरह का भी काम हो सकता है, स्टिमुलेशन हो सकता है, एंजाइमेटिक कैटलिटिक एक्टिविटी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा जो है टिशल या टिश्यू जो है जो सिक्रेटरी फंक्शन अटेंड कर लेता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो अटेंड कर लेता है उसी को हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं मैसेंजर के रूप में हमारी बॉडी में होते हैं जो एक कम्युनिकेशन या किसी भी तरह के अल्टरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी के अंदर। तो ग्लैंड्स जो होता है कोई भी जो है स्ट्रक्चर जो सेल या टिश्यू के फॉर्म में हमारी बॉडी में पाया जाता है और जो सिक्रेटरी फंक्शन अटेंड कर लेता है उसी को हम लोग ग्लैंड कहते हैं।
तो ग्लैंड में ये हो गया। अब ग्लैंड कितने तरीके का होता है, बॉडी के अंदर ग्लैंड कितने तरीके की होती है, ये तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में बात करते हैं। तो जैसे हम लोग और तरीके से भी इनका मोड ऑफ सिक्रेशन कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके बेस पर भी ग्लैंड को क्लासिफाई किया गया, लेकिन यहाँ हमारा एक सिंपल ग्लैंड की डिफिनेशन करेंगे टाइप के बेस पे। टाइप कैसा है, मोड मतलब कि किस तरह का सिक्रेशन कर रहा है। तो सिक्रेशन यहाँ पे देखो हम लोग करते हैं कि एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती हैं ये डक्टेड होती हैं। डक्टेड मतलब डक के थ्रू अपना सिक्रेशन करती हैं, और ये डक्टेड ग्लैंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप जो है ये डक्टेड ग्लैंड होती है, डक्टेड ग्लैंड है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन कर रहा है, मतलब जो ग्लैंड है वो डायरेक्टली जाता है टारगेट पे, अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू कर देता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है, ग्लैंड और टारगेट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत ही जो है मतलब कि कह सकते हैं कि क्लोज डिस्टेंस होता है, और वो अपने टारगेट पर रिलीज कर देता है। टारगेट ऐसा जो है मल्टीपल प्लेसेस नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही है टारगेट, अगर समझने के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो। ये तो हमारा डक्टेड ग्लैंड्स हो जाती हैं, तो और ये जो सिक्रीशन करते हैं उनको हम लोग एंजाइम भी, इसमें एंजाइम होता है, एंजाइम है इसमें आपका एंजाइम या कोई और केमिकल हो सकता है। तो इस तरह से जैसे हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, तो जिसमें सेलिवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, और ये जो है आपका उसी का पार्ट है। डाइजेस्टिव बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, तो इसमें पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है जो कि हालांकि वो हेटरोक्राइन में रखा गया है, बट वो दैट इज ऑल्सो ए एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ग्लैंड्स हैं ऐसे, हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इसके बाद हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है, तो बहुत सारे यार सो मेनी ग्लैंड्स दैट मतलब कि विच आर इंक्लूडेड इन दिस जो है कैटेगरी, लाइक एक्सोक्राइन जो है ग्लैंड जो है हैविंग डक्ट। तो इसका मतलब कि इट डिलीवर इट्स जो है सिक्रेटरी प्रोडक्ट थ्रू द डक्ट, अपने डक्ट के थ्रू टारगेट पे पहुंचा देता है। तो टारगेट डिस्टेंट नहीं होता, ये बड़ा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं जो हमारा टॉपिक रहेगा इंडोक्राइन जो है आपका ग्लैंड जो होती है, सेकेंड हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। दिस जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है, और इसका बहुत वास्ट एरिया होता है, बहुत ब्रॉड रेंज होता है, बॉडी में कहीं भी जो है इनके रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो इन पे काम करेंगे, जो इन इसके सिक्रीशन पे काम करेंगे। तो इनके जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन वर्ड एक तरह से हार्मोनिस रखा गया है, क्योंकि इनका मेन काम है ना, पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रीशन होने से हमारे बॉडी में हार्मोनी नहीं आ सकती है, वो दैट कैन हेल्प जो है आवर बॉडी टू हेल्प इन डाइजेशन ओनली, बट यहाँ से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो बॉडी में हार्मोनी स्टैब्लिश करते हैं, कैनन के अनुसार होमियोस्टेसिस बैलेंस करते हैं। वाल्टर बी कैनन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि होमियोस्टेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हमारी बॉडी के लिए होमियोस्टैटिक कंडीशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इसके थ्रू मतलब कि स्टैब्लिश होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, और इसको स्टार्लिंग एंड बेलिस जो कि छोटे मोटे एग्जाम में आएंगे, स्टार्लिंग एंड बेलिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको केमिकल मैसेंजर बोला था, एक्साइटेटरी सब्सटेंस बोला था। तो ये चीज याद रखना है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं। तो डक्टलेस होती हैं इसके पीछे क्या कारण है, ये एक बड़ा सवाल है, समझ लेना जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वाई द इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, क्यों ऐसा है, तो आपको मैंने बताया कि इनका जो ब्रॉड जो है एरिया है, ब्रॉड रेंज है इनका जो है, ये ईच एंड एवरी सेल पे काम करते हैं, और इनका टारगेट बहुत डिस्टेंट भी हो सकता है, बहुत नियरेस्ट भी हो सकता है, तो बहुत पास में भी हो सकता है और बहुत दूर भी हो सकता है। तो डिस्टेंट और क्लोजेस्ट नियरेस्ट दोनों कंडीशन इसमें पाई जाती है, और प्लस इसका जो रेंज है वो ज़्यादा है, सेलुलर लेवल पे काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेलुलर लेवल पे काम करता है। इसका मतलब कोई सेल है उसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, और ये केमिकल्स जिनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं वो जाके, उनको लाइगेंड भी कहते हैं, हार्मोन्स को लाइगेंड भी कहते हैं, जब सिग्नलिंग वाला टॉपिक में आप देखोगे तो हार्मोन को लाइगेंड भी कहते हैं। लाइगेंड दैट कैन बाइंड टू अ रिसेप्टर, आइदर इट इज जो है आपका साइटोसोलिक और ऑन सरफेस रिसेप्टर। तो दो तरह के रिसेप्टर सिग्नलिंग मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि दो तरह का जो है रिसेप्टर के थ्रू जो है मैसेजिंग होता है टू अ पर्टिकुलर सेल, जिसके इफेक्ट से, जिसके बाइंडिंग से, जिसके कार्ड जो है सेल के अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। एंड बेसिक मेटाबॉलिक मैकेनिज्म लाइक जैसे
आपका जो मॉलिकुलर के लेवल पे होती है, लाइक जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये प्रोसेस होकर एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, एंड ओनली प्रोटीन हैज कैपेबिलिटी एबिलिटी टू जो है चेंज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बेसिकली प्रोटीन हमारे इंपॉर्टेंट का, इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में आपको पता हो गया कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस होती है। डक्ट क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर एक सिंगल एग्जांपल ले लें, अगर हम कहें कि ग्रोथ हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन्स है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है कि सेल के डिवीजन में मदद करता है, सेल के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, अल्टीमेटली सेल को डिवाइड करने में और बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें कि ग्रोथ हार्मोन्स, चूंकि ग्रोथ हार्मोन्स के रिसेप्टर हर सेल पे प्रेजेंट होंगे इन आवर बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी हैव द रिसेप्टर फॉर द ग्रोथ हार्मोन्स, तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि हर सेल के लिए हमें डक्ट लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा कि बहुत क्राउड हो जाएगा, बहुत ज्यादा डक्ट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको हम कहाँ एकोमोडेट करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तो एक हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके जो है टारगेट बहुत ज्यादा है। तो जब टारगेट ज्यादा है तो इसलिए इनको डक्टलेस रखा गया है। हालांकि इस डक्टलेस होने से क्या होगा, ये ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा, मतलब 98 से 99% ये खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ये जो है फिर से जो है मेटाबोलाइट होगा, कैटाबोलिक प्रोसेस में जाएगा, टूटेगा, फिर से रिसाइकल होगा, तो उसमें एनर्जी लगती है। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस बड़ी समस्या को सॉल्व किया जा सके, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो है कि डक्ट की जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। तो इसको इंडोक्राइन के जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रिसेप्टर बेस पे होता है और बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वेस्टिंग ऑफ द हार्मोन होता है, केमिकल होता है, बट ये प्रोसेस के थ्रू मैटर को रिजॉल्व किया गया। थर्ड जो है आपका इसमें देखोगे तो एक हेट्रोक्राइन भी आता है। तो हेट्रोक्राइन जो होता है, हेट्रोक्राइन क्या है, हेट्रोक्राइन, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, क्राइन मतलब सिक्रीशन, एक ग्लैंड ऐसी है जो डिफरेंट दोनों तरह की सिक्रीशन कर पा रही है ना, इसको मिक्स्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड भी सिक्रीशन कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं या हेट्रोक्राइन बोलते हैं। तो मतलब इसमें कुछ एक नया टाइप नहीं है, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी ग्लैंड जिनके पास दोनों फंक्शन हो, मतलब एक्सोक्राइन का भी फंक्शन कर रही हो, ये भी ये कर रहा हो, और ये इंडोक्राइन, दोनों फंक्शन अगर अटेंड कर रहा हो, कोई ऐसी ग्लैंड बॉडी की है या वही बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सोक्राइन भी है जो एंडोक्राइन भी है, तो उसको हम लोग हेट्रोक्राइन कहते हैं। तो इसमें बस दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एक तो पैनक्रियास को हम लोग पढ़ते हैं, पैनक्रियास के हार्मोन्स भी पढ़ते हैं, पैनक्रियाटिक जूस पढ़ते हैं। तो एक तो पैनक्रियास हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, और इसको याद रखना है आपको क्योंकि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मैनेज करना है ये इसके इंडोक्राइन पार्ट से देखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसका एक्सोक्राइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल जूस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले डाइजेशन इंटेस्टाइन में जब होता है तो किससे कैसे होगा जब तक पैनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैनक्रियाटिक जूस विल एक्ट ऑन द काइम दैट कम्स फ्रॉम द जो है स्टमक, स्टमक से जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन में आता है उनको काइम कहते हैं, और फिर जो है फॉलोड बाय द इंटेस्टाइनल जूस काम करता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, दोनों रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है हेट्रोक्राइन की कंडीशन में, इनको हम लोग कहते हैं गोनेड्स। गोनेड्स भी दो काम करता है, गोनेड्स में एक आता है टेस्टिस, दूसरा आता है ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी आर द टू जो है आपका गोनेड्स, द वन इज इन मेल, द सेकेंड इन फीमेल। तो मेल में टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ हार्मोन्स भी, उनकी कुछ सेल्स हार्मोन्स भी बनाती हैं। जैसे सेल्स ऑफ लेडिंग क्या करता है, सेल्स ऑफ लेडिंग जो होता है वो बनवाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसी तरीके से हमारा गोनेड्स में ओवरी के अंदर ओजेनेसिस होगा, ग्रैफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, तो ओजेनेसिस होगा, लेकिन साथ ही वो हार्मोन्स भी बनाता है। ग्रैफिन फॉलिकल क्या करेगा, एस्ट्रोजन बनाएगा, और बाद में जब ग्रैफिन फॉलिकल जो ओवुलेशन हो जाता है और जब ओबम को सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में रिलीज कर देगा तो वो ग्रैफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, एंड दैट कार्पस ल्यूटियम स्टार्टेड जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। तो दो हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, गोनेड्स मतलब ओवरी से। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्लैंड्स का जो मेन टाइप हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक्सोक्राइन पढ़ना है और इंडोक्राइन पढ़ना है, और एक आपका हो जाता है हेट्रोक्राइन। तो हमारा फोकस अब कहाँ रहेगा,
हमारा फोकस मेन किस पे रहेगा, हमारा फोकस मेन रहेगा इंडोक्राइन ग्लैंड पे। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखें कि कैसे काम करता है, इनको थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं बहुत डिटेल में थोड़ा सा, यहाँ देखिए। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, अगर देखें तो इंडोक्राइन में हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है। मैंने कहा डक्ट नहीं है, इंडोक्राइन कैसा है, ये डक्टलेस है, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, डक्टलेस है। तो डक्टलेस है तो कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करता है, ये टिश्यू फ्लूइड के थ्रू काम करता है, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू काम करता है। मतलब इनका सेक्रेशन कहाँ पहुँचेगा, जो बॉडी फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें पहुँच जाएगा और उसके थ्रू काम करेगा। तो देखिए कैसे, पहली बात तो ग्लैंड का कैसा होगा कि जैसे ग्लैंड है, मान लो हम बोलते हैं कि ये एक ग्लैंड है, कोई भी एक ग्लैंड एक्स वाई जेड लाइक जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी है, कुछ भी हो, तो ये ग्लैंड क्या करता है, कहीं भी इसकी पोजीशन होगी, लाइक जैसे थायराइड को जो था नेक रीजन में है, है ना, कहीं भी इसकी लोकेशन हो सकती है, लेकिन इसके टारगेट बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो अब टारगेट तक पहुंचाने के लिए कैसे किया जाता है, तो पहले ये ग्लैंड क्या करेगा, अपना सिक्रीशन कहाँ रिलीज कर देगा, टिश्यू फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड है, ब्लड में नहीं, दिस इज टिश्यू फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड है ना, एक मीडियम है, चूँकि हम लोग जो है स्ट्रूसिलोम वाले कैटेगरी में आते हैं, मेमेलियंस आर एंटेरोसिलस हैं, एंटेरोसिलोम हमारे बॉडी में एक ट्रूसिलोम का एक पार्ट है। तो बॉडी कैविटी जहाँ पे आपका सारे ऑर्गन्स एम्बेडेड रहते हैं, बाथिंग कंडीशन में रहते हैं और नरिशमेंट लेते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छोड़ते हैं, वो दोनों काम करते हैं, तो उसी को हम लोग टिश्यू फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड भी कहते हैं, इसको आप बॉडी फ्लूइड भी कह लीजिए, बॉडी फ्लूइड है ये है। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर आने के बाद क्या होगा, इस बॉडी फ्लूइड से जो हमारी जो है वेनस वेन्स होती हैं, तो वेन्यूल्स बेसिकली होती हैं, सबसे छोटी वेन्स को वेन्यूल्स बोला जाता है ना, छोटी वेन्स जो लगी होती हैं, क्योंकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्री सिस्टम रिवर सिस्टम, तो आर्टरी जो होती हैं आपको पता है कि आर्टरी इसी में क्यों आती है, देख लीजिए। तो आर्टरी जो है इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि आर्टरी जो होती है इसमें, तो आर्टरी जो होती है इसमें देखेंगे आप, तो आर्टरी में क्या होता है कि जो है हमारा आर्टरी जो होती है जो है आपका अवे फ्रॉम द हार्ट होती है, हार्ट को छोड़ती है, मतलब ये बॉडी पार्ट को जो है ब्लड लेके जाती है और बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, केमिकल सप्लाई करती हैं, अल्टीमेटली टारगेट को देती हैं। लेकिन वहीं क्या होगा, वेन जो होती हैं वो टूवर्ड होती हैं हार्ट, वो क्या होती हैं टूवर्ड हार्ट होती हैं। तो हार्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये कहानी रहती है टूवर्ड हार्ट। तो वेन क्यों ले रही है, क्योंकि ये जो टिश्यू फ्लूइड में केमिकल जाएगा पहले हार्ट को जाएगा, और फिर हार्ट क्या करेगा उनको पंप करेगा कहाँ पे, लंग को जाएगा, और लंग क्या करेगा, लंग उसका ऑक्सीजनेशन करेगा ब्लड का, और साथ जैसे ही ऑक्सीजनेशन हो जाएगा फिर लंग से रिटर्न होके आएगा, फिर से हार्ट की जो है जैसे जो है आपका लेफ्ट है तो राइट है तो राइट को देगा, फिर वो पंप हो जाता है लेफ्ट और जो है और राइट में पंपिंग हो जाती है। तो इस तरह से हमारा वेन जो होता है, वेन हमारा ले जाएगा वेनस ब्लड में, वेनस ब्लड जो है इसको कहते हैं वेनस ब्लड आपका हो जाएगा, इसमें ये टिश्यू फ्लूइड से वेनस ब्लड में जाएगा, और देन यहाँ से ये जो है ये सारा जो मैकेनिज्म हमने बता दिया कि पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग को जाएगा, और लंग से जो है क्या होगा ये टारगेट पे पहुंच जाता है। तो टारगेट जो होता है ना, टारगेट सेल होती है, टारगेट ऑर्गन कहते हैं हम, लेकिन वो होता है बेसिकली सेल, क्योंकि सेल लेवल पर सेलुलर लेवल पर ही ये मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, सेल लेवल पर होगा, लेकिन एक ऑर्गन के लिए ही होता है। जैसे हम लीवर कह रहे हैं, लीवर को किसी एक प्रोसेस के लिए स्टिमुलेट करना है तो उसके रिसेप्टर जाएंगे, लाइक जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कह रहे हो, ग्लूकोज का लेवल घटा हुआ है, कम हो गया है, तो हमें ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, नॉन प्रिकर्सर सोर्स से ग्लूकोज को बनाना, और ये कहाँ होगा, लीवर में होगा, तो लीवर की सेल को स्टिमुलेट करेंगे ताकि जो है और सेल्स फैट की सेल को स्टिमुलेट करेंगे ताकि फैट को वो तोड़े, ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस को एक्टिवेट कर देंगे, वो तोड़ देगा फैट सेल को, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों मूव करके लीवर में जाएंगे जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और ग्लूकोज बन जाएगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल अप हो जाएगा। तो ये वर्किंग है, जैसे इंडोक्राइन सिस्टम में डक्टलेस होने के कारण ये टिश्यू फ्लूइड में छोड़ेगा और वहाँ से जो है क्या होता है ये अल्टीमेटली टारगेट तक पहुँच जाता है। तो एक बड़ी लंबी जर्नी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पता है कि नर्वस सिस्टम इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम इसमें लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम से
डिले प्रोसेस है, इसमें 30 सेकंड भी लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, या कई बार घंटों या नहीं भी, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि रिस्पांस आए, ऐसा भी हो सकता है कि रिस्पांस ना आए, है ना। तो ये जो है आप देखते हो कि इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे है, कैसे ये काम करता है। बाकी सेलुलर लेवल का सिग्नलिंग मैकेनिज्म वो तो अलग से पढ़ना है, उसको हम लोग जो है आगे जो है चैप्टर में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप ऑफ हार्मोन्स में देखो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। पहले हार्मोन्स का नाम है, पहला हम लोग बोल रहे हैं कि हार्मोन्स जो होता है, पहला होता है लोकल हार्मोन्स हो जाएगा और दूसरा यहां पर होता है लोकलाइज्ड हार्मोन। लोकलाइज्ड हार्मोन्स कहते हैं, या इसको सर्कुलेटरी भी कहते हैं, सर्कुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं, लोकलाइज्ड हार्मोन या सर्कुलेटरी हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन के थ्रू काम करेगा। लोकलाइज्ड का मतलब मूव कर रहा है, अपने प्लेस से जा रहा है कहीं दूसरी, कैसे जाएगा वो थ्रू सर्कुलेशन जाएगा, जैसे कि मैकेनिज्म में डिस्कस किया। तो लोकल हार्मोन्स का मतलब इनको सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। दीज विल नॉट इंटर इन सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, सर्कुलेशन में ये नहीं जाते हैं, विल नॉट इंटर इनटू द सर्कुलेशन। इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो है सेम या नेबरिंग सेल पे काम करते हैं, सेम आर नेबरिंग सेल ऑफ दियर सिक्रीशन वर्क करते हैं, नेबरिंग सेल ऑफ दियर सिक्रीशन, या तो सेम सेल पे काम करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि एक सेल ये है और दूसरी सेल जो है बगल में ही है, तो इस सेल का नाम ये है, तो इसने कुछ केमिकल्स रिलीज किया, अब इसने कुछ केमिकल रिलीज किया और दूसरी सेल पे जो है मान लो लगा हुआ है, सेकेंड सेल ये है, इस पे इसका रिसेप्टर है, तो फिर क्या होगा, तो हार्मोन्स क्या करेगा, ये जा करके इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। तो ये हो गया जो है इस तरह का, अगर हो रहा है कि मतलब ए सेल ए ने केमिकल रिलीज किया और सेल बी पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेल ए ने केमिकल रिलीज किया, सेल बी पे उसके रिसेप्टर अवेलेबल है, तो इसको कहते हैं हम लोग जो है इस लोकल में दो टाइप हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा पैराक्राइन, ये कंडीशन क्या बन जाएगी, पैराक्राइन, पैरा मतलब ही होता है साइड बाई साइड, मतलब आस पास हो, है ना, तो इसका मतलब हो जाता है पैराक्राइन, कि वेन द केमिकल सिक्रेटेड बाई वन सेल जो एक्ट ऑन द नेबरिंग सेल, बी सेल क्या है इसका नेबरिंग पड़ोसी है, तो उस पर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहां पे काम करेगा, तो इसको हम लोग पैराक्राइन कहते हैं। लेकिन अगर ये केमिकल इसी के रिसेप्टर पे काम कर जाए, क्योंकि इसके भी तो रिसेप्टर होते हैं, तो ये केमिकल क्या होगा, इसी के रिसेप्टर जब काम करेगा तो ऐसे को कहते हैं हम लोग ऑटोक्राइन, इसको क्या बोलते हैं, ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो जाएगी। तो एक होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग और एक होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ये हम लोग जो है इस इंडोक्राइन में देखेंगे, बाकी जक्स्ट्राक्राइन भी होता है ना, वो एक अलग से सिग्नलिंग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। तो ये सिग्नलिंग आपको यहाँ पे ऑटोक्राइन पैराक्राइन समझ में आना चाहिए। आप पैराक्राइन में देखोगे ना, तो आपको एक एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें देखो, जब हमारा पैनक्रियास जो है, इसमें जो होता है पैनक्रियास का हमारा जो है डेल्टा सेल जो होती है, एक हार्मोन बनाती है सोमैटोस्टैटिन जो होता है, ये अल्फा एंड बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, उसी जो है पैनक्रियास के अंदर सेल्स होती हैं, ये अल्फा बीटा सेल पैनक्रियास, तो इसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से देखो, अल्फा बीटा क्या हुआ, डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, तीन सेल होती है, डेल्टा सेल भी होती है, तो ये इसके सारे नेबरिंग सेल है, ये इसके नेबरिंग सेल है, अल्फा बीटा की नेबरिंग कौन है, डेल्टा सिक्रेट हार्मोन्स दैट एक्ट ऑन जो है अल्फा एंड बीटा सेल, बिकॉज रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दीज सेल्स। ये हो गई पैराक्राइन सिग्नलिंग। लेकिन ऑटोक्राइन में क्या आएगा, ऑटोक्राइन में हमारी बॉडी जो हर बॉडी की हर सेल जो होती है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन,
प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, एक तरह का इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है जो हर सेल बनाती है। पहले देखा जाता था कि ये सेल, पहले देखा गया वानयूलर साहब ने देखा था, वानयूलर साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने देखा कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो केवल प्रोस्टेट ऑफ मेल, प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड होती है मेल की, वो सिक्रेट करती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। पहले चूंकि वहाँ देखा गया वानयूलर के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन था। लेकिन बाद में देखा गया कि बॉडी की हर सेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसकी हर सेल सिक्रेट कर रही है और एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करती है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये हमें डिफेंड करता है, तो इसलिए ये सिक्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए और जिसके कारण कई सारे मैकेनिज्म और जो है स्टिमुलेट होते हैं और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एक लोकल हार्मोन्स है और ये ऑटोक्राइन, क्योंकि ये अपने ही तरह के सेल को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेम सेल, ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा जो है हो जाता है। तो ये एक हो गया ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पे, इसके बाद देखिए लोकलाइज्ड हार्मोन्स में देखेंगे कि लोकलाइज्ड हार्मोन्स क्या होता है। लोकलाइज्ड हार्मोन्स जो होता है इसमें सर्कुलेशन का होना बहुत जरूरी है, सर्कुलेशन में हार्मोन्स पहुंचता है, हार्मोन्स रीचेज इन द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन वाला वही कहानी है कि भले कोई भी ग्लैंड, इन दोनों को आप याद रखें, इसके बाद जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे लोकलाइज्ड के, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, 40 से 50 जो है हार्मोन्स होंगे, दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द डिफरेंट ग्लैंड, वेरियस ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड देयर लोकेशन इज ऑल्सो डिफरेंट एंड बट दे एक्ट थ्रू दिस जो है प्रोसेस। लाइक जैसे हम लोग देखेंगे कि एक सिस्टम, देखिए कि एक हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है एक न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है। थैलेमस जो होता है ये क्या है, एक न्यूरो इंडोक्राइन है, न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये जो है न्यूरोन सेल, न्यूरोन जो होती है ये बेसिकली हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, ये फोरब्रेन का पार्ट है। फोरब्रेन में दो पार्ट है, एक होता है हमारा जो है बेसिकली सेरेब्रम है, सेरेब्रम को ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है, और दूसरा उसका पार्ट होता है डायनसिफिलॉन। और डायनसिफिलॉन में हम देखते हैं कि डायनसिफिलॉन के तीन पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाला इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है, ईपी एंड थैलेमस, इपीथैलेमस और थैलेमस जो है किसके लिए काम करते हैं, ब्रेन के लिए, लेकिन हाइपोथैलेमस बेसिकली जो इंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी की है उसको रेगुलेट करती है बाय द सिक्रीशन ऑफ देयर हार्मोन्स, अपने हार्मोनल सिक्रीशन के थ्रू वो क्या करता है जो है ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करता है, और उसका जो रेगुलेशन होता है थ्रू पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी को सारे मैसेज देगा एंड देन पिट्यूटरी रेगुलेट करता है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट रेगुलेशन है, डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रेगुलेशन है, मतलब पिट्यूटरी के थ्रू रेगुलेट करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मतलब ये मास्टर ग्लैंड को रेगुलेट करता है, न कि पूरे ग्लैंड, इनडायरेक्ट रेगुलेशन है। तो इसको न्यूरोइंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि कोई न्यूरोन है इसके अंदर क्या होगा, हाइपोथैलेमस चूंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो इसकी सेल्स को क्या बोलेंगे, न्यूरोन सेल्स होती है, न्यूक्लियाई ऑफ न्यूरॉन्स बेसिकली सिक्रेटरी कौन होती है, न्यूक्लियाई ऑफ न्यूरॉन होती है, और ये क्या करती है, लेकिन सिक्रेट क्या करती है, ग्लैंड, मतलब कि हार्मोन सिक्रेट करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये बहुत सारे 9 हार्मोन्स बनाती हैं और 9 हार्मोन्स क्या करता है, वो रेगुलेशन करता है। इसको हम लोग केमिकल नेचर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केमिकल जो है नेचर क्या है इनका हार्मोन्स का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के बाद यहाँ पे आता है हमारा पिट्यूटरी आता है, तो इसको आपने जाना कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, तो इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यही लिख लेते हैं, मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी जो है ग्लैंड होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपको याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी, अगर आपसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करें, पहले तो पूछेंगे मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो आपको अगर पता है मास्टर ग्लैंड मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन अगर उसमें भी आपको कहे कि एंटीरियर पिट्यूटरी है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो आपको पता होना चाहिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। कई बार इसके और नाम है, एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, चूंकि पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस, मास्टर ग्लैंड है, और पोस्टीरियर को कहते हैं जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है कि मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंड देन जो है ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड किसको मैसेज करेगा,
कोई भी ग्लैंड होगी हमारी बॉडी की, कोई भी ग्लैंड लाइक जैसे एक्स वाई जेड, लाइक इंडो आपका थायराइड हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा, कोई भी ग्लैंड हो जाए सबको ये स्टिमुलेट करता है बाय दियर हार्मोन्स, लाइक गोनाड्स हो जाएगा, है ना, तो सारे को जो है रेगुलेट करेगा। फिर वही कहानी आएगी कि ग्लैंड क्या करेगा, टिश्यू फ्लूड में रिलीज करेगा हार्मोन्स, ग्लैंड टिश्यू फ्लूड में हार्मोन रिलीज किया, फिर ये क्या होगा, ब्लड के थ्रू जो है टारगेट पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से सर्कुलेशन इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये देखो सर्कुलेशन यहाँ से शुरू हो जा रहा है, तो ये सर्कुलेशन में पहुँच करके ही जो है काम करता है। तो ये दो तरह का मैकेनिज्म है जो हमारा टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में देखेंगे। ये तो जो है टाइप ऑफ हार्मोन्स, अगर उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दो तरीके का है जो आपको जानना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे देखते हैं हार्मोन्स कुछ और होते हैं, जैसे हमने कहा कि एंटागोनिस्टिक, मोड ऑफ एक्शन के बेस में एंटागोनिस्टिक गोनिस्टिक हार्मोन है। तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटा का मतलब ही होता है अपोजिट, एंटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो अपोजिट है मतलब दो ऐसे हार्मोन्स, पेयर ऑफ हार्मोन्स हैविंग द अपोजिट फंक्शन, मतलब जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें एक है क्या है, इंसुलिन की सबसे अच्छा क्लासिकल एग्जांपल क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागन, ग्लूकागन जो होता है ना, एक हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, पैराथार्मोन हार्मोन पीटीएच और जो है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, पीटीएच और कैल्सीटोनिन क्या करता है, तो ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ब्लड कैल्शियम लेवल है ना। तो देखो जो भी कैल्शियम हमारे बॉडी में होता है वो कहाँ स्टोर रहता है, वो हमारे बोन में, 99% जो कैल्शियम जो है स्टोर कहाँ रहता है, बोन में। तो हमारा बोन क्या है, स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम होता है, हमारी बॉडी में 1 kg कैल्शियम स्टोर पूरा बॉडी में है, और जो जिसका 99% कहाँ स्टोर है, हमारे जो है बोन पे स्टोर होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पैराथार्मोन हार्मोन को वहां से रिलीज कर निकाल लेता है। और जैसे ही ज्यादा ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ, कैल्शियम जो है ब्लड में पहुंचा, एक्सेस कैल्शियम को तुरंत रीड करता है कैल्सिटोनिन और उसको डिपॉजिट करा देता है, मतलब बोन के फॉर्मेशन और बोन के रिजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक दूसरे का अपोजिट है, और अलग अलग हार्मोन्स इसको कराते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन्स ये कराता है और पहला कैल्सिटोनिन ये कराता है। इसी तरीके से आप देखोगे इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है, ये ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा ब्लड में, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा ब्लड में, तो हो गया एंटागोनिस्टिक, मतलब एक दूसरे के, तो पेयर ऑफ हार्मोन्स हैविंग द अपोजिट इफेक्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्टिक। तो इसी के साथ कौन चलता है, सिनर्जेसिक, सिनर्जेसिक हार्मोन, सिनर्जेसिक हार्मोन क्या होता है, सिनर्जेसिक हार्मोन का मतलब, सिनर्जेसिस मतलब होता है जो है जो एक दूसरे के इफेक्ट को पोटेंशिएट कर दे, बढ़ा दे, मतलब एक पेयर ऑफ हार्मोन्स, ऐसा हार्मोन्स का पेयर जो सेम फंक्शन कर रहा हो और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सिनर्जेसिस। जैसे जैसे इसी में देख लो कि आपका ग्लूकागन और कार्टिसोल, कार्टिसोल हो गया, या इसी में और एक देख सकते हो एड्रेनालिन हो जाएगा, ये तीनों हार्मोन्स क्या करते हैं, सेम करते हैं। ग्लूकोज के केस में देखोगे तो ग्लूकोज के केस में तीनों क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन है ग्रोथ हार्मोन्स है, जीएच है ग्रोथ हार्मोन्स, ये ग्रोथ कराता है, सेल के डिवीजन को बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है। तो ये दोनों क्या है, सिनर्जेसिक है, मतलब सेम फंक्शन है, और दोनों का प्रेजेंस होने से क्या होगा, फंक्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स अगर देखोगे तो बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स का प्रॉपर लेवल होने से हाइट अटेंड करेगा पर्सन, है ना, ग्रोथ हार्मोन्स के प्रॉपर लेवल होने से होता है हेल्दी जो है डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसी साथ साथ जो है थायरॉक्सिन का भी होना जरूरी, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट थायरॉक्सिन पर डिपेंड करता है, तो हेल्दियर डेवलपमेंट के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए देखेंगे कि दो तरह की कैटेगरी और बन गई, एक एंटागोनिस्टिक हो जाएगी, एक सिनर्जेसिक हो जाएगी। और कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कि न्यूरो इंडोक्राइन, तो न्यूरो हार्मोन्स ही हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन्स क्यों कहा गया, क्योंकि अगर बॉडी की न्यूरॉन, न्यूरोनल सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी अगर हार्मोन्स बना रही हैं, जैसे जो है पिट्यूटरी के केस में जो है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी है,
उनमें न्यूरॉन्स ही बनाती हैं। जैसे हमारा जो है आपका हाइपोथैलेमस है, तो ये सारे के हार्मोन्स को, न्यूरो हार्मोन्स का मतलब ये होता है कि वेन न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी जो है सिंथेसाइज हार्मोन्स, देन इट इज नोन एज न्यूरो हार्मोन्स। तो बहुत सारे हार्मोन्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स हैं जिनको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स को, ताकि वो अगले ट्रांसमिट करके अल्टीमेटली हमें इफेक्टर तक पहुंचाए और रिस्पॉन्स को रिजॉल्व करें। तो आज की क्लास में इतना हमने आप देख लिया कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स देख लिया, हार्मोन्स में ग्लैंड देख लिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो है केमिकल नेचर क्या है हार्मोन्स का, केमिकल नेचर क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसी के बेस पर चूंकि मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। बस आप लोग जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने दिवाली को जो दिवाली जो है अच्छे से मनाया होगा, और दिवाली के बाद अब थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज कर लीजिए, एनर्जेटिक बना लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके डेट्स आ जाएंगी एग्ज़ाम का, CSIR जो है कोई डेट अनाउंस करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा गियर अप करिए, सो दैट कि आप जो है टाइमली अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें और आपको कंटेंट मिलता रहेगा, टाइमली मिलेगा। वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखिए, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें कि हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझा देंगे। लेकिन अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही है, रेगुलर वीडियो को आप देखिए और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाए वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, कैटलिस्ट है। जब तक आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब समझोगे और उसको अप्लाई करोगे और अप्लाई करने पर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपको खुद ही अंदर से एनर्जी मिलेगी कि नहीं और पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें हो रही हैं। जब आपको काम होता है ना तो आपको और काम करने का मन करता है, जब काम नहीं सही होता है तो फिर काम नहीं करने का मन करता है। तो आप करिए और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल होगा आपका। एक बार फिर कहेंगे कि आप चैनल के ग्रोथ के लिए ये सोचिए कि आपको यह चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इसके बाद दोस्तों तक पहुँचाइए, इसको शेयर करिए, जिससे हमें भी एनर्जी मिलेगी और लोग बेनिफिटेड होंगे, हमको तो एनर्जी मिलेगी, बाकी आपके दोस्त भी बेनिफिटेड होंगे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है उसके थ्रू। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस जो है ऑनलाइन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और इसके बाद मैकेनिज्म, उसके बाद फिर हम एक एक ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी, थैंक यू वंस अगेन।